रामगोविंद चौधरी होंगे यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तय किया नाम। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने प्रोटेम स्पीकर फतेह बहादुर सिंह को दिलाई शपथ। प्रोटेम स्पीकर कल दिलाएंगे नए विधायकों को शपथ। 30 मार्च को स्पीकर का होगा चुनाव। अहम फतेह बहादुर सिंह जो विधानसभा सदस्य रूपेण निर्वाचित अस्मि ईश्वर की ईश्वर शपथ ग्रहणाम। शाहजहांपुर में सामूहिक नकल मामले में एग्जाम सेंटर रद्द हुआ एफआईआर के आदेश। मैनपुरी में एसडीएम ने खुद किया नकल पर स्टिंग ऑपरेशन। बेखौफ झुंड बनाकर नकल कर रहे छात्रों को पकड़ा। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिरोही को मिली धमकी भरी चिट्ठी। अवैध बूचड़खाने बंद करने पर बीजेपी विधायकों और नेताओं की हत्या की धमकी। यूपी एटीएस ने लखनऊ से 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पासपोर्ट बनाने वाले दलालों पर एटीएस ने किए छापेमारी। पासपोर्ट में ईसीएनआर स्टैंप लगवाने के अवैध धंधे की खबर के बाद छापेमारी। दिल्ली में केजरीवाल के विधायक ने थामा कमल। बवाना से आम आदमी पार्टी के एमएलए वेद प्रकाश ने ज्वाइन की बीजेपी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा उपचुनाव से पहले आतंकी बड़ी साजिश नाकाम। कुलगाम से हिजबुल मुजाहिदीन के 6 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद।